हेलो भी सभी को नमस्कार। आज हम 3.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर है पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय में 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय में 4 इज इक्वल माइनस 1 बाय में 2। इसको करने के लिए आपको जो टिक्नोमेट्री फंक्शंस है जैसे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा, इन सभी की वैल्यूज़ होती है अलग अलग। भी 0 डिग्री पर क्या वैल्यू है, ठीक है, 30 डिग्री पर क्या है, 45 डिग्री पर क्या है, 60 डिग्री पर क्या है, 75 डिग्री पर क्या है, 60 डिग्री पर क्या है, और फिर 90 डिग्री पर क्या है। तो इन सभी की वैल्यूज़ रिवाइज होनी चाहिए। जैसे अभी यह दे रखा है क्वेश्चन में साइंस केयर पाई बाई में 6, मतलब कि ये साइन की जो वैल्यू होगी 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1 बाय में 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय में 2 इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर प्लस कोस पाई बाय में 3 60 डिग्री हो गया 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट पाई बाय में 4 क्या होता है 45 डिग्री हो गया। 45 पर क्या होगी वैल्यू 1 होती है, 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपको गिवन है, ये सारी चीज़ें ये आपको रिवाइज करनी है। टेबल बना के अपना रिवाइज करो, फिर अगर टेबल आपको आती है तो इस क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 1 बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर 1 बाय 4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 1। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1 बाय में 2। सेकेंड क्वेश्चन है 2 sin² पाई बाय में 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 3 पाई बाय में 6 कोस पाई बाय में 3 इज इक्वल 3 बाय में 2। इसको करने के लिए वही रूल है, 2 cos² पाई बाई में 6 प्लस कोसिकेंट क्यूब 3 पाई बाई में 6 कोस्केयर पाई बाई में 3। अब देखो पाई बाई में 6 की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि साइन हो गया 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है 1 बाय 2, 1 बाय 2 का होल स्केयर हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रो के अंदर, कॉलम के अंदर। अब ये जो सेकंड कॉलम में कह रखा है कि कोसिकेंट स्केयर 3 पाई बाई में 6, इसको कैसे सोल्व करना है 3 पाई बाई में 6, सॉरी 3 पाई नहीं है यहाँ पर 7 पाई है, 7 पाई बाय में 6। इसको करने के लिए आपको, आपने लास्ट एक्सरसाइज करी थी 3.2 हो गया और 3.1 इसका मिक्स आएगा अब इसके अंदर। अब 7 पाई बाय में 6 है, तो ये तो 3.2 में ही है था, आपको बताया था मैंने भी। अगर 7 पाई बाय में 6 है तो आप इस फंक्शंस को कैसे सोल्व करते हो, 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय में क्या हो जाएगा 6 6 से डिवाइड करो 30 हो गया, 7 को 30 से करेंगे क्या होगा 210, फिर इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे, आपकी जो वैल्यू आएगी 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया। यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 डिग्री। इसमें दो चीज़ बताई थी, एक इवन और ओड वैल्यू, हमारी यहाँ पर आई इवन वैल्यू, और इवन वैल्यू में हम क्या करते हैं नो चेंज, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रह जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री रह जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट चेक करने हैं, कोऑर्डिनेट में आपको देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ है 1 और ये 2, हम एक ऐड करते हैं यहाँ हो गया 3 के ऊपर देखो क्या आता है आफ्टर स्कूल 2 टेंजन और कोटेंजन, थर्ड के अंदर क्या आता है टेंजन और कोटेंजन, लेकिन टेंजन और कोटेंजन तो पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या है कोसिकेंट, टेंजन और कोटेंजन तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस का आ गया कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 होता है 2 के ऊपर और माइनस है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा इधर हो जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे कोस पाई बाय में 3, तो कोस पाई बाय में 3 होता है 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3 बाय में 4। नेक्स्ट देखिए कोस स्क्वायर पाई बाय में 6 प्लस कोसिकेंट पाई 5 पाई बाय में 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय में 6, तो पहले कोस पाई बाय में 3 पाई बाय में 6 इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 आ जाएगी यहाँ पर, और कोसिकेंट 5 पाई बाय में 6 ये देखो 5 मल्टीप्लाई 180 बाय में 6 काटेंगे 30 डिग्री हो गया, 30 को फिर 5 से करेंगे 150, 150 को 90 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस हो गया 60, 1 हो गया ओड वैल्यू, 1 तो होगी ओड वैल्यू, ओड वैल्यू में हम क्या करते हैं जो फंक्शन होते हैं हम क्या करते हैं चेंज, तो कोसिकेंड को किस में चेंज कर देंगे सिकेंड के अंदर, और 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री आ गया। आप कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है फर्स्ट में एक ऐड करेंगे सेकंड, सेकंड कोऑर्डिनेट चेक करो 1 और 2, 2 में क्या आता है आफ्टर स्कूल साइन और कोसिकेंड,
टू के अंदर क्या आ रहा है, साइन और कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या है कोसिकेंट, और यहाँ भी क्या आता है साइन और कोसिकेंट, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो सिकेंट क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो सिकेंट 60 किस पर होता है, टू पर वैल्यू होती है सिकेंट, सिकेंट 60 की, इसको ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/2 इक्वल 10। 2 को 12 रखेंगे और ऐसे ही sin 3π/4 इसको सोल्व करेंगे तो 180/4 करेंगे तो 40, 45 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 135, 90 से डिवाइड करेंगे आपकी वैल्यू होगी 90 × 1 + 45 डिग्री। तो 1 होता है ओड वैल्यू, ओड वैल्यू में हम क्या करते हैं वैल्यू को, फंक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, साइन को कोस में चेंज कर दिया, 45 डिग्री आ गया। आप कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, 1 है तो 1 ऐड करेंगे 2 हो गया, तो 1 और 2 आफ्टर स्कूल। साइन और कोसिकेंट होता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, साइन और कोसिकेंट तो है इधर, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन और कोसिकेंट, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। जो भी कोऑर्डिनेट आपको सेम लगे वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है, उसके अलावा जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और साइन को हमने कोस में चेंज किया था, कोस 45 डिग्री किसके ऊपर होता है, वैल्यू क्या होती है कोस 45 की, 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं भाई, आगे आगे इस चैप्टर को करने के लिए भी, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को आगे करने के लिए कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूलेज हैं जो इसके अंदर फॉलो करने हैं आपको। फॉर्मूले कौन से हैं, फर्स्ट है sin(a+b)। तो क्या फॉर्मूला होता है, sin a cos b + cos a sin b, sin a - b, sin a cos b - sin a, sin a cos b - cos a sin b। ऐसे ही cos a + b, cos a cos b - sin a sin b, cos a - b, cos a cos b + sin a sin b। ये दोनों फॉर्मूले एक साथ हैं, रिवाइज करने का अच्छा तरीका है, ट्रिक है भी, पहले साइन वाले करो रिवाइज, फिर कोस वाले रिवाइज करो। अब देखो tan(a+b), ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होएगा आपका, ज़्यादा बार यही होता है फॉर्मूला यूज, ये भी ज़्यादा बार होता है, सबसे ज़्यादा कोटेंजन का भी होता है ज़्यादा, और ये तो होते ही हैं ऑलरेडी tan(a+b)। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये आपके सारे एक एक बार जरूर यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। tan(a+b), tan(a+b) का क्या फॉर्मूला होता है, tan(a+tan(b), 1 + tan(a tan(b), और यहाँ है tan(a-b). तो जहाँ पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब tan(a-tan(b), 1 - tan(a) और tan(b). cotan(a+b) में क्या होता है, cotan(a cotan(b - 1, cotan(b+cotan(a, cotan(a-b) का क्या फॉर्मूला होता है, cotan(a cotan(b+1 cotan(b - cotan(a)। ठीक है, सभी उतार लो इसको। ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ है tan(a+tan(b), यहाँ आएगा आपका tan(1 - tan(a tan(b), यहाँ आएगा आपका tan(a-tan(b), और यहाँ आएगा 1 + tan(a tan(b)। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। साइन दे रखा है आपको 75 डिग्री, हमने इसमें ऐसे दो फंक्शंस, दो वैल्यू निकालनी है इसके अंदर भी, लेने ही दो आपको, दो वैल्यू हैं अभी ये, हम इसको अगर ऐड करें कि जैसे अब साइन 45 में वैल्यू होती है हमारी 45 की, ऐसे ही 30 की वैल्यू होती है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनता है 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री है तो यहाँ हमने ले लिया 45 + 30 डिग्री, साइन हो जाएगा 45 + 30 डिग्री, साइन की a+b का फॉर्मूला लग जाएगा, और a+b का क्या फॉर्मूला होता है, sin a cos b + cos a sin b, ये फॉर्मूला लग जाएगा, a की जगह 45, b की जगह 30। तो sin 45 होता है 1/√2 + √3/2 + 1/√2 मल्टीप्लाई, sin 30 होता है 1/2, इसको कैलकुलेशन कर देंगे हमारा आ जाएगा √3 + 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan(15 डिग्री, अब tan(15 डिग्री को करने के लिए आपको देखो यहाँ पर दो वैल्यू, दो फंक्शन चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए आपकी जो टेबल होती है, टेबल के अंदर जो वैल्यू होती है वही आपको इसके अंदर चाहिए। अब ये 45 भी होता है, उसमें 30 डिग्री भी होता है, 45 में से 30 को माइनस कर दिया तो tan(a-b) हो गया, तो tan(45 - tan(30 डिग्री)/में हो जाएगा 1 + tan(a) और tan(b)। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा tan(a-b), यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, tan(30) होता है 1/√3, tan(45) होता है 1
इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशलाइजिंग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 - 2√3/2। अब इधर से आप कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 - 2√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - √3 इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन में बोलता है कि कोस पाई बाय में 4 - x, ठीक है, कोस पाई बाय में 4 - y माइनस साइन पाई बाय में 4 - x साइन पाई बाय में 4 - y इज इक्वल साइन एक्स प्लस वाई, ये आपको वैल्यू प्रूव करनी है इन सभी से, ठीक है। कैसे करोगे ये देखो, ये हो जाएगा कोस, ये पूरी वैल्यू होगी ए, ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगी वैल्यू बी, ठीक है, माइनस साइन ए और साइन बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी। अभी हमने पीछे फॉर्मूले किए थे, कोस ए प्लस बी इज इक्वल किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे को किससे इक्वल रख देंगे, कोस ए प्लस बी, ए हमारा क्या हो गया ये हो गया और बी हमारा ये। ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब आपके ए और बी इन दोनों के अंदर लाई कर रहे हैं और इधर भी दोनों की सेम वैल्यू, यहाँ ए है कोस में और साइन में भी ए सेम आ रहे हो, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आ रहे हो, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग गया। तो कोस हो जाएगा पहले ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस में फिर बी की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा पाई बाई में 4, यहाँ है पाई बाई में 4, तो 2π/4 माइनस एक्स माइनस का वाई, 2 से कैंसिल करेंगे पाई बाई में 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया कोस 90° - θ, अब जो 90° - θ आ गया कोस, हम इसको किस में चेंज कर देंगे साइन के अंदर, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा, तो यही वैल्यू होगी, कोस को साइन में किया एक्स प्लस वाई थीटा हो गया, तो साइन एक्स प्लस वाई ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट पाई बाई में 4 + x बाई टेंजेंट पाई बाई में 4 - x इज इक्वल में 1 + tan x 1 - tan x पूरे का होल स्क्वायर, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, कौन सा था, टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 - tan a टेंजेंट बी। अगर ये फॉर्मूला माइनस में आ जाए तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो हम इसको करने के लिए आपको इसमें प्लस का फॉर्मूला लगेगा, टेंजेंट पाई बाई में 4 + x का फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट पाई बाई में 4 + tan x बाई में 1 - tan a और टेंजेंट बी, ये पूरे के बाय में हो जाएगा, फिर इधर दोबारा लगेगा टेंजेंट ए माइनस बी। अब दो फॉर्मूले लग गए इसके अंदर, ऊपर और नीचे अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, ऊपर प्लस का लगेगा नीचे माइनस का लगेगा, टेंजेंट पाई बाई 4 - tan x अपॉन 1 + tan π/4 और टेंजेंट एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, टेंजेंट पाई बाई में 4 हो गया 45° और 45° होता है 1, तो 1 + tan x ये हो जाएगा 1 - tan π/4 हो गया 1 और टेंजेंट एक्स हो गया टेंजेंट एक्स, पाई बाई में 4 हो गया 1, टेंजेंट पाई बाई में 4 45° क्या होता है 1 के इक्वल, तो 1 हो गया माइनस टेंजेंट एक्स रहेगा यहाँ पर 1 + tan π/4 1 और टेंजेंट एक्स रहेगा। अब जो वैल्यू इसमें कटती है वो काट दो, आपके पास नहीं कटेगी इससे वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई मल्टीप्लाई और ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ये इधर आ गई, जब ये दोनों सेम वैल्यू है तो इसका हो गया होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लेफ्ट एंड साइड इज इक्वल राइट एंड साइड, हैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन में बोलता है कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस इंटू पाई बाई में 2 + x। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब ये सब क्वेश्चनों का मिक्सअप है इसमें, कि देखो कोस पहले पाई प्लस एक्स को सोल्व करेंगे, पाई प्लस एक्स होता है 180 + x और 180 + x को कैसे सोल्व करेंगे, कोस हो गया 180 को हम क्या लिख सकते हैं 90 × 2 + x, ठीक है। अब 2 क्या है हमारी इवन वैल्यू, और इवन वैल्यू में हम क्या नहीं करते वैल्यू को चेंज नहीं करते, तो कोस को कोस रखेंगे, एक्स हो गया तो यहाँ एक्स रखेंगे। अब देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट भाई माइनस लेंगे या प्लस लेना है, अब यहाँ है 2, 2 में एक ऐड किया क्या हो गया 3, 3 के अंदर देखोगे 1 2 3, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है आफ्टर स्कूल 2, 3 टेंजेंट और कोटेंजन, थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या है कोस, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस का क्या बन जाएगा कोस एक्स, तो ये जो वैल्यू होगी कोस पाई प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया माइनस के कोस एक्स के, तो एक वैल्यू प्रूव कोस माइनस एक्स, तो कोस माइनस एक्स कोस थी कोस माइनस एक्स मतलब कि कोस एक्स, ये आपको फंक्शंस दे रखे हैं आपके मैथ्स के अंदर, कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के, तो क्योंकि सी के साथ हमेशा माइनस हट जाता है,
सेकंड पार्ट में कहता है कि साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई टू माइनस एक्स। टू क्या है? इवन वैल्यू, इवन वैल्यू में नो चेंज, तो साइन को साइन रखेंगे, एक्स को एक्स रखेंगे। यहाँ आ गया टू। अब देखो यहाँ माइनस, हमने सारे प्लस प्लस वाले किए हैं, लेकिन यहाँ आप ऐड नहीं करोगे, ओनली टू तक ही देखोगे, वन और टू। टू क्वाड्रेंट में देखो, आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल साइन और कोसेकेंट, साइन है तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन एक्स की इक्वल होगी, कोस 90 प्लस एक्स हो गया, पाई बाय में 2 प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया, 90 प्लस एक्स, 180 बाय में 2 प्लस एक्स, तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री प्लस एक्स, वही 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, 1 आ गई, तो 1 क्या है, ओड, ओड में क्या करेंगे चेंज, तो कोस को साइन में चेंज कर दिया, एक्स की एक्स रहेगा। अब क्वाड्रेंट चेक करना है, यहाँ 1 है और प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2, तो देखो आफ्टर स्कूल साइन और कोसेकेंट, साइन तो है नहीं ना, कोसेकेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स, और वन बाय वन हम इसमें पुट करेंगे, कोस पाई प्लस एक्स किसके इक्वल है, माइनस का कोस एक्स जो निकला था अभी, कोस माइनस एक्स किसके इक्वल है, कोस एक्स के इक्वल है, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, जो अभी हमने सोल्व किया साइन एक्स के, और कोस 90 डिग्री प्लस एक्स किसके इक्वल है, माइनस के साइन एक्स के, हम जो भी वैल्यू कटती है काट दो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स कोस स्केयर एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स साइन स्केयर एक्स, तो आंसर हो जाएगा कोटेंजेंट स्केयर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस 3 पाई बाय में 2 प्लस एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स, कोटेंजेंट 3 पाई बाय में 2 माइनस एक्स प्लस कोटेंजेंट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल 1। इसको भी 1 बाय 1 सोल्व करेंगे, पहले करेंगे कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसको सोल्व किया 3 पाई बाय में 2, ठीक है, अब देखो 3 पाई, पाई की जगह क्या रखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 180 बाय में 2, 2 से काटेंगे 90 डिग्री हो गया, 90 को 3 से करेंगे 270, 270 हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे 90 से, तो आप सीधा डिवाइड कर दो, 90 मल्टीप्लाई 3 270 हो गया, प्लस में क्या हो गया x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है x, तो थर्ड में क्या होती है ओड वैल्यू, क्या होती है ओड वैल्यू, ओड में हम क्या करते हैं चेंज करते हैं वैल्यू को, तो cos को किस में चेंज कर देंगे साइन में, x का रहेगा, कोऑर्डिनेट चेक करना है 1 2 3, 1 2 3, लेकिन है प्लस की वैल्यू 4, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस और सेकेंड, कोस और कोस सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, लेकिन यहाँ भी कोस है और यहाँ भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो साइन एक्स आ जाएगा इसकी जगह। आगे है कोस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई हो गया 2 मल्टीप्लाई 180 प्लस में एक्स, तो 360 डिग्री प्लस में एक्स, 90 से डिवाइड करो, 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस एक्स, तो कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी वैल्यू क्वाड्रेंट चेक कर लेना, कोटेंजेंट 3 पाई बाय में 2 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा आपका 3 को करेंगे डिवाइड 180 से, तो 60 270 हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये वाली जो वैल्यू करी थी हमने प्लस वाली और ये नेगेटिव वाली, बस यहाँ पर आपको चेंज करना है, टेंजन एक्स हो जाएगा इसका। अब 1 बाय 1 पुट कर दो, कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स किसके इक्वल है साइन एक्स के, ये जो वैल्यू सोल्व की थी वो किसके इक्वल है कोस एक्स के। अब कोटेंजन को सोल्व करेंगे हम 3 पाई बाय में 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय में 2 माइनस एक्स, तो ये जो वैल्यू है हम इसको सोल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी कोट एक्स आएगी, ठीक है, तो कोट एक्स हो गया, नहीं इसकी वैल्यू नहीं आएगी कोट एक्स आपकी, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना इसकी वैल्यू आएगी टेंजन एक्स, क्योंकि ये जो वैल्यू हम सोल्व करते हैं 3 पाई बाय में 2 ये हो गया 270 डिग्री हो गया, 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, 3 हो गया ओड वैल्यू, ठीक है ना, 3 क्या होगी ओड वैल्यू, तो कोट ओड वैल्यू को हम चेंज करते हैं, तो कोट को किस में चेंज कर देंगे टेंजन में, तो यहीं से आपका चेंजिंग हो रही है, तो ये x का x रहेगा। अब आ जाओ इसमें प्लस कोट 2 पाई प्लस x, इसकी वैल्यू आपकी जाएगी एज इट इज कोट x, ये सोल्व कर रखी, ठीक है, अब टेंजेंट को चेंज करा साइन बाय में कोस और कोटेंजेंट को कोस बाय में साइन, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये ऊपर से नीचे कट जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास जो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो हैंड्स प्रूफ हो जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में बोलता है कि साइन एन प्लस 1x और साइन एन प्लस 2x प्लस कोस एन प्लस 1x और कोस दे रखा है एन प्लस 2x और इक्वल में दे रखा है कोस एक्स, ये आपको प्रूव करना है। इसको करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले सोल्व की, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे दिया ये पूरी वहाँ तक रख ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये फॉर्मूला देखा है, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ये फॉर्मूला नहीं होता, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला नहीं होता। अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, अभी कोस वाली आगे रख देते हैं और साइन वाली पीछे रख देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है फॉर्मूला बन जाता है, तो हम कर सकते हैं रूल के हिसाब से, तो रूल के हिसाब से हम इसमें कोस वाली को तो आगे ले आए पूरी वैल्यू को और साइन वाली को पीछे ले आए, तो ये बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला बनता है आपका कोस ए माइनस बी, ठीक है, कोस ए माइनस बी।
अब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कोस हो गया, ए क्या हो गया हमारे पास एन प्लस वन एक्स हो गया, और बी क्या हो गया एन प्लस टू एक्स, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एन को एक्स से किया एन एक्स, एक्स को वन से किया एक्स, माइनस एन को एक्स से किया एन एक्स, माइनस दो को किया एक्स के साथ दो एक्स, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा एक्स माइनस दो एक्स, टू एक्स, एन एक्स में से टू एक्स माइनस किया माइनस का एक्स, तो कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, अभी मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोस एक्स, तो जो जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, और शेयर करें सभी अपने फ्रेंड्स के पास भेजो, ठीक है, फ्रेंड्स के पास भेजो सारे, उस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।